हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, जब वो फुल हो जाता है या फुल के लगभग हो जाता है, तब आपके जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट का जो है नोटिफिकेशन या प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको करना है क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करेंगे तो इसमें से मोबाइल फोन की गैलरी में से आपकी जितनी भी लंबी वीडियोज है ना, लॉन्ग वीडियोज है, वो आपको सारी डिलीट कर देनी है, ठीक है ना। और जितने भी फालतू का डेटा है ना, जैसे कि फोटो वीडियो वगैरह फालतू का है, वो आपको सारा डिलीट कर देना है, ठीक है ना। तो इससे आपका क्या होगा कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोसेस और करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को आपको एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है ना। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का आपको कोई भी ऐप उंगली से दबा के रखना है तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा मिलेगा ऐप इन्फो या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा डिलीट ऐप डेटा का, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट कर दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, जिन ऐप्स को फालतू के ऐप्स है, उन सभी को हटा दीजिए अपने फोन से, अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि जो आपके ऐप्स होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो फालतू के ऐप्स आपको अपने मोबाइल फोन से हटा देने हैं। अब इसके बाद आपको एक प्रोसेस और करना है कि आपको जो अपने मोबाइल फोन के में जो है ना, काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ठीक है ना। वो ऐप्स जो है ना, आपके मोबाइल फोन का डेटा, बैटरी, बहुत सी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे आपकी जो ना स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो आपको उन सभी ऐप्स को स्टॉप करना है। कैसे करना है, देखिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इस ऐप्स का, ऐप्स पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको है ना सिर्फ वही ऐप दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, तो इन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप कर देना है एक एक करके। कैसे करेंगे, देखिए कोई भी ऐप आपको है ना उंगली से दबाना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये नीचे की साइड ये रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, तो ये ऐप आपका स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बाकी सभी ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है, इन सबको, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है ना। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको है ना सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की, ये आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी आपके फोन में डेटा है, जो सिर्फ काम का डेटा है ना, आपकी जरूरत का डेटा है, सिर्फ जरूरत का डेटा ही आपको पहले तो है ना किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। फालतू का जितना भी डेटा है वो ऐसे छोड़ देना है, वो डिलीट हो जाएगा रीसेट करने से, ठीक है ना। तो पहले जो आपकी जरूरत का डेटा है वो सारा ट्रांसफर कर लेना है रीसेट करने से पहले, ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, ठीक है ना, ताकि आप उस जीमेल आईडी को अपने फोन में दोबारा से लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको रीसेट करने से पहले ध्यान रखनी है। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।